जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्म में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आज मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले 26 तारीख को ग्रहण काल, जो कि 3.25 घंटे का है, उस 3 घंटे में आप अपने जीवन को कैसे बदल देंगे। यदि आपको किसी चीज़ की बहुत खास चाहत है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा उन 3.25 घंटों को आप कैसे अपने अनुकूल बनाकर इस जग में जो चाहे जीत लें, आज उसके बारे में बताऊंगी। ग्रहण काल में एक मंत्र की ऐसी शक्ति जिसके बारे में संसार बोलती है, उस मंत्र में बहुत शक्ति होती है। उस मंत्र का जब आप जाप करेंगे उस 3.25 घंटे में, तो फिर आप जो चीज़ पाना चाहते हैं वो दूर नहीं है आपसे, इस बात की गारंटी है। क्या है वो मंत्र और उससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अब मैं वो आपको बताऊँगी। पहले नंबर पर पैसा। किसको पैसे की चाहत नहीं है, सभी को पैसा चाहिए, नाम पैसा शोहरत सबको चाहिए। वो एक ऐसा मंत्र है जो आपको पैसा भी देता है, नाम भी देता है और शोहरत भी देता है। आपको करोड़पति बना सकता है, रोड़पति से करोड़पति बना सकता है। दुर्लभ मंत्र है, पैसा बहुत देता है। सम्मोहन, वो सभी लोग जो चाहते हैं उनके पास ऐसी अट्रैक्शन पावर हो कि वो जिसे देखें वो सम्मोहित हो जाएं, फिर चाहे उनके घर के लोग हों, उनके ऑफिस के लोग हों, उनका कोई प्रिय हो, तब भी ये मंत्र काम करता है। और इस मंत्र की शक्ति इतनी है कि आपके अंदर सम्मोहन शक्ति को जागृत करती है, क्योंकि 3.25 घंटे ही तो आपको बोलना है, उसके बाद ये मंत्र आपके साथ हो लेता है हमेशा हमेशा के लिए। तीसरे नंबर पे, यदि आप किसी को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो आपके पति का प्यार हो, पत्नी का प्यार हो, प्रेमिका का प्यार हो, या पति का प्रेमी का प्यार हो, अगर आप किसी को हासिल करना चाहते हैं, आपके मन में किसी के लिए इच्छा है कि काश ये मेरा हो जाए, तो उसके लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता, एक शक्ति आपके अंदर आएगी कि आप इस मंत्र से अपने प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी को अपनी तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित करने का कार्य कर सकते हैं मात्र इस मंत्र से। इसके अलावा यदि आप किसी भी कलेश या किसी तनाव या किसी मुकदमे से लड़ रहे हैं और आप उसमें जीत नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको इस मंत्र की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। इस मंत्र की शक्ति से आप किसी भी तनाव लड़ाई या शक्ति को जीत सकते हैं। ऐसा दुर्लभ मंत्र है और बहुत ही प्यारा मंत्र है। इसकी शक्ति इसके अंदर लगने वाले अक्षरों से कई हज़ार गुना बढ़ जाती है जब आप इसको ग्रहण काल में बोलेंगे। और ग्रहण काल में पूरी श्रद्धा के साथ आप इसको जाप करते हैं तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा। चाहे आपको धन संपत्ति चाहिए हो, चाहे आप सम्मोहन चाहते हैं, चाहे आप वशीकरण चाहते हैं, चाहे आप किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये मंत्र आपका काम करता है। इस मंत्र को सिद्ध करके, पवित्र करके आप किसी भी चीज़ को, पानी अपने घर पर छिड़केंगे तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा। तो क्या है ये मंत्र और कितना दुर्लभ भी है ये मंत्र, कैसे आप इस मन को जाप करके इस ग्रहण काल में जो कि 26 दिसंबर को आ रहा है, अपनी किसी भी मन की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, वही मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मंत्र को बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल जो आप सभी का प्रिय चैनल है, उसको अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मान्यता मिल चुकी है। हमें अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उस पर हमें खरे उतरे हैं और हमें इसका सर्टिफिकेशन UK से मिला है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप इंग्लैंड बोलते हैं, वहाँ से मिल चुका है। और इसके साथ साथ भारत सरकार से भी हमारी संस्था को मान्यता मिल गई है। यूट्यूब से तो हमें मान्यता पहले ही मिल गई थी, तो हमारा कोई भी कंटेंट जो भी हम यहाँ पर पब्लिश करते हैं या फिर हम जो भी कुछ बोलते हैं उसको एक ऑथेंटिकेशन मिल चुका है। इसके अलावा यदि आप सीखना चाहते हैं तो चाहे आप हमसे रेकी हीलिंग सीखिए, चाहे आप हमसे मेडिटेशन सीखिए, आप योग सीखिए, चाहे आप ज्योतिष सीखिए, कुंडली सीखिए, स्टोन्स के बारे में सीखिए, आप मनोकामना पूर्ति के मेडिटेशन सीखिए, आप कुछ भी सीखेंगे वो सब आपको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हमारा जो चैनल, जो हमारी संस्था है, वो आपको सर्टिफिकेट देता है। और उस पर आपको वो सर्टिफिकेट आपका कहीं पे भी जाएंगे, आप योगा ट्रेनर के रूप में कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आप ज्योतिष के रूप में कहीं भी काम कर सकते हैं, वो सारे के सारे हम आपको, जो भी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे
वो आपके काम करने के लिए पूर्ण रूप से आपसे कोई ओंगल करके ये नहीं पूछ सकता है कि ये आपने कहाँ से सीखा, क्योंकि हमारे संस्थान को मान्यता मिल गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर आप सीखना चाहें तो आपका बोस वेलकम है। वैसे भी हमसे बहुत लोग दूर दूर से सीखने आते हैं, तो आप भी सीखिए। और अगर आपको कोई समस्या है 8126476399 पर व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप का जवाब मिलने में टाइम ले सकता है क्योंकि मेरे पास बल्क में मैसेज आते हैं और मुझे मैसेज को पूरी मैसेज को पढ़ने में और उनको फिल्टर करके छाट के मैसेज पढ़ने में 2-2.5-3 लग जाते हैं। इसलिए आपको अपने मैसेज की बारी को वेट करना होगा। यदि आपको सीरियस मैटर है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में लिख के देंगे कि दीदी मेरे मैंने आपको मैसेज किया है और मेरे मैसेज की लास्ट 4 डिजिट फलाफला है, तो मैं आपका मैसेज को रीड कर लूँगी। क्योंकि ऐसे तो 3-4 हज़ार मैसेज आते हैं, उसमें पढ़ा नहीं जा सकता। आपको डिजिट लिख देंगे 4 डिजिट, तो मैं आपका मैसेज ढूंढ के फिर पढ़ के आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, ये आपके लिए एक सहूलियत मैं दे रही हूँ क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसे मंथ के बारे में बता रही हूँ जिसको करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, व्हाट्सअप नंबर मैंने भी नहीं बताया है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8126476399। ठीक है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। स्क्रीन पे भी आपको लिखा आएगा, नीचे अगर आप हमारे चेक करेंगे तो आपको नीचे भी मिलेगा। और इसको अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको लास्ट में नीचे क्या लिख के देना है जिससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले अब हम वीडियो की बात कर लेते हैं। देखिए 26 दिसंबर को सूतक तो रात में ही लग जाएगा, पूजा पाठ नॉर्मल पूजा पाठ बंद हो जाएगी, लेकिन जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं या किसी खास चीज़ को पाने की जो पूजाएं होती हैं वो स्टार्ट हो रहेंगी। सुबह तड़के जैसे ही 8:10 होगा, उससे पहले आप अपना नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाइएगा। और आप अपने लिए जो भी चकाश, क्योंकि आप मंदिर में तो नहीं बैठोगे, आप अपने घर के मंदिर में भी नहीं बैठोगे, इसलिए कोई ऐसे स्थान ढूंढ लेना जो साफ़ सुथरा हो। वहाँ पे एक धूप दीप अगरबत्ती और एक दिया जला देना। दिया नहीं जला सकते कोई बात नहीं, धूप दीप अगरबत्ती तो जला ही देना, 2 दीप अगरबत्ती जला देना, मस्ट है, ज़रूरी है। बस उतना जला कर अब आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथ में गुलाब का फूल रख लीजिएगा या कच्चे चावल बिना टूटे जिसमें हल्दी लगा रखी हो उसको ले लेना है, उसको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। और उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड में चावल रखा, उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से उसको ढक देंगे। ढक कर आपको जो दिया आपने जलाया है उस दिए के समक्ष, क्योंकि आपके आगे पीछे भगवान तो है नहीं, क्योंकि मंदिर तो आपका बंद है और मेन मंदिर भी बंद है, तो उस दिए को साक्षी मान के आप बोलेंगे कि हे भगवान गणेश जी महाराज, आपको और इस दिए को साक्षी मान के मैं एक पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं जिस मंत्र का जाप करूँगा उस मंत्र से मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो। और क्या मंत्र है वो, कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ कि हे गणेश जी महाराज आपकी जय हो, मैं रवि शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा गोत्र भारद्वाज या कुछ भी जो भी आपको गोत्र होगा, निवासी हरियाणा पानीपत, इस सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा करने जा रहा हूँ और एक मंत्र का जाप करके उसको सिद्ध करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यह मंत्र सिद्ध हो और मेरे काम आए जिंदगी भर, ये मंत्र सिद्ध करने में मेरी मदद करें। और इस मंत्र के मैं 11,000 जाप करूँगा इन 3.25 घंटों में या करूँगी, मेरे इस मंत्र को सिद्ध करने में मेरी मदद कीजिए। 11,000 मंत्र करने हैं आपको 3.25 घंटे में और हो जाएंगे अगर आप 3.25 घंटे लग के करेंगे तो। ठीक है, और उसके बाद 11,500, देखिए वैसे तो 1,25,000 मंत्रों का विधान होता है, लेकिन 1,25,000 मंत्र आप नहीं कर पाएंगे इसलिए हमने उसका दशांश कर दिया। और फिर आप बोलेंगे कि ये पूजा पाठ हमारे जो गुरु हैं
संध्या जी जिन्होंने हमें बताया है वो हमारी गुरु माँ है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक केंद्र से उन्होंने हमें दी है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी मनोकामना जो भी हो इस मंत्र की सिद्धि के द्वारा मुझे प्राप्त हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ और मेरे जो गुरु हैं उन पर भी कृपा करें, जो संध्या जी हैं उन पर और उनके परिवार पर कृपा करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करें, और जो मेरी साध्य है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो इच्छा पूरी हो। नाम आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, और बोल देंगे कि हे गणेश जी महाराज आपकी जय हो, मेरे काम को आओ सिद्ध करो। और दीपक से कह देना है कि हे दीपक देवता मेरे इस कार्य को इस मंत्र जाप में आप साक्षी हैं, मेरी मदद कीजिए। हकीक के माला का प्रयोग करना है, काला हकीक की माला लेके आओगे, हकीक की माला ना मिले तो पंचमुखी रुद्राक्ष की 108 बीट्स की माला लेके आओगे, तीसरी कोई माला यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्फटिक की माला भी यूज़ कर सकते हैं, तीन माला का विधान है। देखो तांत्रिक कार्यों में अगर हकीक की माला का प्रयोग किया जाए तो वो बेस्ट होता है, हकीक की माला ना मिले तो आप रुद्राक्षी माला का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही माला ना मिलने पर फिर आप इस पूजा में सब स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट नंबर वन पे मैं बोलूँगी हकीक की माला, बहुत अच्छी होती है, बहुत सस्ती होती है। दूसरे नंबर पे बोलूँगी वो है रुद्राक्षी माला, पंचमुखी रुद्राक्ष जो आपको मिल जाए 108 दाने का, ठीक है। सबसे लास्ट में स्फटिक की माला, उसको सबसे लास्ट में नंबर दिया है मैंने। तो इस तरह से आपको बोलना है, आपको प्रार्थना करनी है, माला से बोलना है कि हे देवी आपका आह्वान करती हूँ, आपको मैंने चुना है, आप मेरी सहायता करें और सिद्ध हो जाएं मेरी इस माला में, ठीक है। उसका भी नाम ले लेना जो भी आप माला यूज़ कर रहे हैं। फिर थोड़े से कच्चे चावल जो आपने अपने हाथ में लिए हैं वो दिए पे छिड़क देंगे, थोड़े से कच्चे चावल आप माला पे छिड़क देंगे। इन सब चीज़ों को एक किसी स्टील की प्लेट पे रख देना, दिया भी माला भी, और छोटे से गणेश जी मानसिक रूप से बना लीजिएगा या एक सतिया बना दीजिएगा लाल रंग का कुमकुम से। और जब आप पूरा संकल्प ले लेंगे तो संकल्प के थोड़े चावल गणेश जी का जो सतिया है उस पर डाल दीजिएगा, स्वास्तिक जिसे आप बोलते हैं ना स्वास्तिक पर डाल दीजिएगा थोड़े से चावल, थोड़े से उस दिए पे डाल दीजिएगा और थोड़े से चावल अपनी माला पे डाल दीजिएगा जिससे आप जाप करने जा रहे हैं। दिया ऐसा लेना जिससे 3 घंटे जल जाए, दिया पूरे टाइम जलता रहना चाहिए, धूप बत्ती आप वो रखोगे जो 3 घंटे जल जाए, इतनी बड़ी रखना वरना तैयार रखना 2-4 कि अगर वो बुझ रही हो तो दूसरी उसी समय जला दें। ये सब ध्यान रखना है, गलती मत करना। अब जब आपका सारा काम हो जाएगा, आपकी सारी तैयारी हो गई है, आपने संकल्प भी ले लिया है, अब माला को प्रणाम करके दिए को प्रणाम करके मानसिक रूप से गणेश जी को प्रणाम करके भगवान कृष्ण को प्रणाम करना है, क्योंकि हम मंत्र किसका ले रहे हैं, भगवान कृष्ण का ले रहे हैं। और ये कौन सा मंत्र है, इसको हमने क्लीम से जोड़ा है और आप जानते हैं कि क्लीम में चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, क्लीम मंत्र से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अब आपका जो मंत्र बनेगा वो कौन सा मंत्र बनेगा, आपको हर एक बीट्स के साथ क्या बोलना है, आपको बोलना है क्लीम कृष्ण क्लीम नमः, 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 क्लीम कृष्ण क्लीम नमः। समझ रहे हैं आप, तो आप कैसे बोलेंगे, क्लीम कृष्ण क्लीम नमः, 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 क्लीम कृष्ण क्लीम नमः। मंत्र समझ में आ गया आपको, इस मंत्र को आपको 3.25 घंटे जाप करना है, आपको 11,000 बार जाप करना है, संकल्प आप 11,000 मंत्रों का करेंगे, 11,000 मंत्र बहुत होते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह से 11,000 मंत्र कर लिए जो कि दुर्लभ है तो आपका जैकपॉट आपके हाथ लग जाएगा। क्लीम कृष्ण क्लीम नमः के आपको जाप करोगे
108 माला का हो आपको लगभग 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं, तो यानी कि 1 घंटे में आपकी 60 माला हो जाएंगी, सॉरी 60 नहीं 40 माला हो जाएंगी। 40 माला का मतलब होता है लगभग 4000 हो जाएंगे, तो 2 घंटे में आपके 8000 हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि मुझे मालूम है कि अगर आप लग के करेंगे तो आपके 11500 माला आपके 11000 आपको मंत्र करने, मंत्र 11000 क्या करने हैं, मंत्र। और जो आप 108 की माला करते हो ना उस पर कभी भी पूरे 108 काउंट नहीं होते हैं, 100 काउंट होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 8 मंत्रों को हमेशा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आपसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप 108 की माला पे हमेशा 100 काउंट होते हैं, कभी भी 8 नहीं काउंट होते हैं। इसलिए जब आप एक माला करते हो तो आप उसको लिख लेना 100, दो माला लिखोगे तो 200, 10 माला पे 1000, 20 माला पे 2000, इस तरह से 100 माला जब करोगे तब जाके 10000 मंत्र होंगे, ठीक है। और ये काम आपको इन 3.25 घंटों में ही करना है। एक चीज़ और कर सकते हो, जब आप इस मंत्र का जाप करोगे ना, एक पानी का लोटा रख लेना, उसे पानी भर के रख लेना, उस पानी में 1-2 तुलसी के पत्ते डाल देना, उसको साम रख लेना। और क्या रख सकते हो, लौंग रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, इलायची रख सकते हो। ये चीज़ें क्यों रखोगे अब बता दो, गुड़ रख सकते हो, बताती। जब आप 11000 बार मंत्र जाप कर लोगे, कर लिया ना आपने, पानी को, इलायची को, लौंग को, गुड़ को फूंक दो। जब आप फूंक दोगे, और कैसे फूंकना है, 11 बार मंत्र पढ़ के, क्लीम कृष्ण क्लीम नमः, क्लीम कृष्ण क्लीम नमः, क्लीम कृष्ण क्लीम नमः मंत्र बोल के फूंक मार दी, किसमें, पानी में। 11 बार मंत्र बोल के किसमें फूंक मारोगे, लौंग पे, इलायची पे और गुड़ पे, ये तीनों पे खट्टा मार देना। ये चीज़ें आपकी शक्ति आ गई है इन चीज़ों में। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक माला करो इन सारी चीज़ों पे फूंक मार दो, दूसरी माला करो फिर फूंक मार दो, तीसरी माला करो फिर फूंक मार दो, ये पानी फिर उसके बाद उठा के किसी बॉटल में भर लेना। लौंग और इलायची इतनी सारी रखना कि ये आपकी आजीवन काम आएंगी। अब ये आपका एक मिश्र तैयार हो गया है, जिसको अपने वश में करना होगा। उस समय 108 बार इस मंत्र को बोल के और संकल्प लेके कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बात माने, ये मेरा कहा माने, ये मेरी बात को सुने, इसी मंत्र को 108 बार बोलकर उस चीज़ पे फूंक मार देना और उसे खिला देना, वो आपके वश में हो जाएगा। कैसे खिलाओगे, मीठे में डाल के खिलाओगे, ऐसे नहीं कि सीधे उसके मुँह में इलायची ठूस दी, कोई नहीं खाएगा, किसी मीठी चीज़ में मिला के दे सकते। हमेशा याद रखना कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को कुछ खिलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके वश में हो जाए, तो हमेशा मीठे में खिलाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और खिलाने से बात एक याद आई है कि कभी भी अगर आपको किसी पंडित ने भी बताया हो, किसी तांत्रिक ने भी बताया हो, फिर भी कभी भी शमशान घाट के अंदर जाके कोई मीठी चीज़ रख के अपने हाथ से मत आ जाना, कभी नहीं। खास तौर पे अगर वो चीज़ सफ़ेद रंग की हो तो बिल्कुल मत लेके जाना, मीठा चढ़ाना ही नहीं चाहिए। एक केस हुआ था अभी पहले बीच में, एक लड़का जो था उसको किसी पंडित ने बता दिया था, पता नहीं क्यों बताया होगा, मिठाई जाके वो शमशान घाट में रख के आया था, वहाँ से आने के तुरंत बाद वो बीमार हो गया था। तो जो शमशान घाट के अंदर जो वो होती है ना चुड़ैल, उसको लगा कि ये मेरे को मिठाई खिलाने आया है, वो उसके साथ हो ली थी। तो क्या होता है ना, वो चुड़ैल फिर लेके जाती है बंदे को, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, तो वो उसको लेके चली गई अपने साथ, उसकी डेथ हो गई थी। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी मीठी चीज़ अपने हाथ से शमशान घाट के अंदर मत रखाना, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। खौसर पे अगर वो चीज़ सफ़ेद हो तो बिल्कुल नहीं रखनी है। ये याद आ गया, बता रही हूँ इसलिए आप सबके वेलफेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि गलती कभी भी हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो अब ये गलती आप तो नहीं करेंगे, कम से कम समझ गए। मीठा नहीं चढ़ाते हैं कभी भी,
और किसी के हाथ से जल्दी मीठा मत खाया करो। जो मीठा होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जल्दी काम करती हैं, इसलिए मीठे मत खाया करो, परहेज करो। नमक खा सकते हो, मीठा मत खाओ, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया है। जब भी आपको किसी को अपने पानी अंदरस कर दिया, आपने 11,000 मंत्र भी कर लिए, अब ग्रहण खत्म हो जाएगा, आप वो सारा सामान उठाओगे। फिर जब भी आपको यूज़ करना हो पानी, तो आप किसी बॉटल में डाल के परमानेंट रख देना, इलायची लौंग भी इसको परमानेंट कहीं रख देना। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको यूज़ करना होगा इसी पे 108 बार सेम मंत्र बोलकर, मन की इच्छा बोल के आप किसी को खिलाएंगे मीठी चीज़ में मिला के, तो ये काम करेगा। मीठे में ही खिलाना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, नमकीन में मत लिखाना। और एक और काम करना पड़ेगा, ये जो आपने ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध किया है ना, इस मंत्र को जब भी आपके पास टाइम मिले थोड़ा थोड़ा बोलते रहना, तो ये परमानेंट बना रहेगा, वरना इसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, समझे आप? तो इस प्रयोग का करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। ग्रहण पे मैं और भी वीडियो दूंगी आपको, ये तो मैंने एक नॉर्मल वीडियो दिया है आपको, छोटा सा मंत्र हो जाएगा, लेकिन जिनको और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो दूंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, और जल्दी मत बचाइएगा, मेरे पास बहुत काम रहता है, टाइम होगा तो मैं आपका सबका रिप्लाई करूँगी। रिपीटेटेड मैसेज मत किया करो मेरे को। सबसे ज़्यादा जो मेरा चैट भरता है व्हाट्सएप का, उसका कारण एक मेन बता देती हूँ। जैसे मेरे को किसी लड़की ने मैसेज किया कि उसको बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, मैंने उसको 5 उपाय बता दिए, वीडियो भेजे कि आप इस वीडियो को करो, अब काम पक्का होगा, क्योंकि उसके रिजल्ट आ रखे हैं। रिजल्ट मैं वो 5 वीडियो भेज दूंगी, उसके बाद भी वो मुझे पलट के कहेगी कुछ और बता दो, फिर मैं उसको कुछ और बता दूंगी, अच्छा ठीक है तुम ये 5 नहीं कर सकती हो तो तुम ये 2 उपाय में से कोई कर लो। फिर नेक्स्ट डे देखूंगी तो उसी का वीडियो उसका फिर से आ गया होगा कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे को ऐसा हो गया है वैसा हो गया, आप कुछ और बता दो। तब मैं उसको ब्लॉक मार दूंगी। मेरे ब्लॉक मारने का ये कारण रहता है, क्योंकि जब आपको मैंने एक वीडियो दे दिया, 2 वीडियो दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, तो आप बेवकूफ़ समझ रखा है गया आपने मुझे। आपके पास वीडियो सर्च करने का टाइम नहीं है, आपने मुझसे मदद मांगी, तो मैं आपको मेन मेन वो वीडियो बता देती हूँ कि इन इन वीडियो से काम होता है, आप कर लीजिए। अब आपको उसमें भी कुछ अनुकूलता चाहिए। कुछ लोग मुझे चैलेंज करने लगते हैं, चैलेंज कैसे करेंगे कि मेरा ये फला फला काम है, तो मैं उनको वीडियो बता दूंगी कि आप ये वीडियो देख लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। तो उनका नेक्स्ट डे क्या वीडियो का आंसर आता है, आप हमारा काम करके दो। फिर मैं लिख के दे दूंगी कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर थर्ड डे उनका क्या मैसेज आएगा, हमारा काम करके दिखाओ तो हम आपको माने। तो फिर वो चैलेंज करने वाली बात हो जाती है, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं उस बंदे को ब्लॉक मार देती हूँ। फिर वो जाके वहाँ यूट्यूब पे लिख देंगे कि मैडम ने हमें ब्लॉक कर दिया। तो ऐसी हरकतें ना करें, समझे? मैंने कुछ आपको वीडियो दिया है तो मेरा वीडियो कौन सा कितना काम करता है वो मुझे पता है, क्योंकि मेरी आज की दुकान नहीं चल रही है। मेरा ये माँ लक्ष्मी ज्योति संस्थान है, बहुत पुराना है, यूट्यूब में मैं 2017 से हूँ, लेकिन काम मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, समझे आप? तो मुझे मालूम है मेरा कौन सा उपाय काम करेगा, और एक्सपेरिमेंट्स भी हम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लोग बताते हैं किसका किस चीज़ से काम हुआ।